वक्त कम है और काम बहुत ज्यादा। और इसी चुनावी डगर पर राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी डरे हुए हैं पूरी तरह से तैयारियों में, क्योंकि उनको मालूम है कि इस थोड़े से वक्त में उनको बहुत कुछ कर लेना है, बहुत सारे लोगों को जुटा लेना है साथ में। लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कभी कुलियों के बीच पहुंचते हैं तो कभी खिलाड़ियों के बीच, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी पहुंचे विकलांगों के बीच। दरअसल धरने पर ये लोग बैठे हुए थे और इनका कहना था कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और उन्हें न्याय नहीं मिलता है। तब राहुल गांधी ने इन लोगों के बीच जाके इनको दिलासा दिया, इनकी समस्याएं सुनी और साथ ही साथ ये भी कहा कि ये सरकार तो विकलांगों को ज्यादा सुविधाएं देने वाला, उनको ज्यादा अधिकार देने वाला डिसेबिलिटी बिल पास करना चाहती थी, लेकिन विपक्ष की वजह से ये बिल पास ही नहीं हो पाया।